लोग आपके पीठ पीछे बुराई करते हों या फिर आपको गाली दे रहे हों, इसका मतलब है कि आपने चमकना शुरू कर दिया। दोस्तों, लोग उनके बारे में ही चर्चा करते हैं जिसने चर्चा करने लायक काम किया हो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल की ओर एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज का ये जो ज्योतिष का कार्यक्रम है आपके लिए है। जी हाँ, आज मैं वाकई में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बात इस वीडियो में करने वाला हूँ। आपने थंबनेल में स्वयं देख लिया होगा कि आपके जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है। ये थंबनेल बनाने का क्या कारण है, ये पूरी वीडियो में आज हम आपको बहुत ही डिटेल से समझाने वाले हैं कि आखिर आपके जीवन में बहुत बड़ा या बहुत कुछ बड़ा ऐसा आने वाले समय में क्या होगा, कब, कैसे, इसके बारे में विशेष आपको जानकारी दूंगा और कब और कैसे, किस वजह से होगा, यह भी आपको बहुत ही अच्छे से समझाऊँगा। क्योंकि दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि शनिदेव वक्री से मार्गी होंगे आने वाले समय में। इसके साथ देवगुरु बृहस्पति, देवताओं के गुरु भी वक्री अवस्था में जाएंगे और सबसे बड़ी बात, और राहु और केतु का राशि परिवर्तन होगा, जो कि अभी वर्तमान में गुरु चंडाल दोष बना रहा है, यह समाप्त होगा। तो इसलिए आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। वो क्या आएगा ये जानेंगे। यह कार्यक्रम जन्म की राशि, चंद्र राशि पर आधारित होगी, नाम के राशि पर आधारित होगी। तो दोस्तों, ऐसे में आप इसी के अनुसार इस वीडियो को देखें, तभी आप इस वीडियो को समझोगे और जीवन में आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकोगे। शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो दोस्तों, आपके जीवन में बड़ा होने वाला है, कब और कैसे, सबसे पहले मैं आपको एक बहुत अच्छी एडवाइस देना चाहता हूँ आपके लिए। हाँ जी, आपके लिए, ताकि आपके जीवन में नेगेटिविटी दूर हो जाए, पॉजिटिविटी आ जाए और प्लान्स जो एक्शन है वो सक्षम हो जाए, मजबूर हो जाए और आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने में यह आपको सहयोग करे। दोस्तों, ये जो दुनिया चल रही है ना, ये दुनिया जो चल रही है, आपको लगता है कि मेरे अपने, मेरे अपने, मेरे अपने, फैमिली, दोस्त, यार, प्रेमी है नहीं। दोस्तों, कोई कुछ नहीं होता। सबसे पहले होती है हमारी एनर्जी, हमारा आसपास का एनवायरनमेंट, हमारा जो सोचने का तरीका है और वो कैसे आता है हमारी सोच से, हमारे मन में, हमारे, तभी तो कहा गया है मन सोचा तब मन सो जा, तब जो आप भी सोच लेते हैं ना वो आपके जीवन में होने लगता है। और मैं अक्सर देख रहा हूँ कि आज के टाइम पे लोगों के मन में नेगेटिविटी बहुत आ रही है, नेगेटिव एनर्जी बहुत क्रिएट हो रही है और उसके वजह से उनका एनवायरनमेंट और भी नेगेटिव हो रहा है, जिसकी वजह से आपको जो है प्लेंड अगर आपको अच्छा फल देने में सक्षम होने देता है, होना चाहते हैं, लेकिन वो हो नहीं पाते हैं क्योंकि आप नेगेटिव हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी आप पर हावी हो रही है आपके ऊपर। दोस्तों, सबसे पहले आप पॉजिटिव हो जाएं, आप कुछ मत करिए, चाहे भगवान की पूजा भी मत करिए, लेकिन आप पॉजिटिव हो जाइए तो आपके अंदर स्वयं परमात्मा विराजमान हो जाएंगे, आपको सब चीज़ें पॉजिटिव दिखने लगेंगी, आपके प्लेनेट भी पॉजिटिव फल देंगे और नेगेटिव होंगे, नेगेटिव एनर्जी होंगे तो आपको डिप्रेशन होगा, ओवरथिंकिंग होगी, सब चीज़ काम करने में मन नहीं लगेगा। सबसे पहले तो आप पॉजिटिव रहें, और साइंटिफिक तरीके से भी देखा जाए तो आप पॉजिटिव रहोगे तो आप काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करते हैं, इसलिए आप कोशिश करें कि आप पॉजिटिव रहें। अब इसको थोड़ा पॉजिटिव हो गया, सुनिएगा कि क्या होने वाला है। दोस्तों, वर्तमान में शनि की ढैया नहीं चल रही है, ऐसा हो चुका है, ठीक है, कोई शनि की ढैया नहीं है, कोई शनि की साढ़े साथी नहीं है, कोई दोष नहीं है, हाँ, गुरु चंडाल दोष सभी बना हुआ है, अभी जो है फिलहाल बना हुआ है, और दोषों शनिदेव जो है, दूसरा शनिदेव आपकी राशि से कहाँ पर फिक्स हो हैं, हाँ, उसमें ट्रांजिट कर रहे हैं, ठीक है, अभी वर्तमान में ठीक है, वक्री होके वक्री हो रहे हैं, वहीं 4 नवंबर से 4 दिसंबर, 4 नवंबर को ही वक्री अवस्था में हो जाएंगे, और मार्ग की पंचम भाव में जो है, सबसे पहले तो क्या बड़ा बदलाव आने वाला है, क्या होने वाला है, विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि पंचम भाव ही होता है ना शिक्षा का, इसलिए पढ़ाई में 4 नवंबर के बाद बहुत ही अच्छा हो सकता है, ये नोट कर लीजिएगा, अच्छा हो सकता है, यानी कि आप एफर्ट डालिए, आप कोशिश कीजिए, लेट से लेट कुछ अच्छा नहीं, कुछ अगर नहीं हो रहा है तो ठीक है, आप कोशिश करिए, आप जो है एफर्ट
के लिए एफर्ट से पढ़ाई करिए, बहुत कुछ बदलाव हो सकता है आपके जीवन में। जी हाँ, 4 नवंबर के बाद दूसरा, अगर आप मैरिड हैं और आपके मन में आप चाहते हैं कि फैमिली प्लानिंग करूं, तो 4 नवंबर से लेकर पूरे नेक्स्ट ईयर तक 2024 तक बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, और ख़ासकर ये 4 नवंबर से लेकर मई 2024 के बीच बहुत अच्छा योग है, और ये जो है काफ़ी ज़्यादा ये अच्छा है आपके लिए। प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग को लेकर भी ये ठीक रहेगा। तीसरा, पंचम भाव जो होता है ये होता है लव रिलेशन का, हमारे माइंड का, ठीक है। तो जिनके लव रिलेशन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग बनी हुई है, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट चल रही है, उनके प्रेम प्यार में शनिदेव मार्गी हो जाने के बाद आपके जीवन में डायरेक्टली आप देखोगे, यानी कि आपको सही दिशा की तरफ लेकर चलेंगे जाएंगे। अगर सपोज मान लीजिए आप एक गलत रिलेशन में हैं, या आप ऐसे इंसान के साथ रिलेशन में हैं जो आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, ठीक है, जो व्यक्ति हर कोई नहीं, ऐसे इंसान के साथ में जो सिर्फ आपके साथ में एक टाइम पास से रिलेशन बनने आके बैठा था, तो 4 नवंबर के बाद वो आपके समक्ष खड़ा होगा, आपको पता चल जाएगा। और जो वाकई में एक अच्छे रिलेशन में है, उनका अच्छा रिलेशन जो है और उनका बेटर हो जाएगा। 4 नवंबर के बाद यह ध्यान देना है कि शनिदेव के मार्गी ये बड़ा होने वाला है, ठीक है। इसके साथ एक बात कहना चाहता हूँ आपको, जो सबसे बड़ा परिवर्तन है गुरु चंडाल दोष, 30 अक्टूबर को गुरु चंडाल दोष खत्म होगा, और ख़त्म नहीं होगा, राहु केतु जो है उनका भी परिवर्तन होगा, और छठा जो है आ जाएगा। मतलब शास्त्र कहता है, मैं नहीं कहता, शास्त्र कहता है कि जब राशि से चंद्रमा से राहु देव 6 स्थान में चले जाते हैं, उसमें ट्रांजिट करते हैं, तो बहुत अच्छा फल देता है, क्योंकि 18 साल बाद आपके 6 सेंस जो है वो अच्छा था उसमें आएंगे, और 18 महीने तक आपके 6 भाव में ही रहेंगे, उसमें रहेंगे 1.5 साल तक, ठीक है, घर होते हैं और 1.5 साल तक रहेंगे, ठीक है, रहते हैं। राहु एक राशि में तो 18 साल बाद फिक्स होता है, उसमें आ रहे हैं, और फिक्स हाउस होता है, और रोग का, शत्रु का, ऋण का, और इन सभी चीज़ों को समाप्त करेंगे। राहु देव, क्योंकि कहते हैं ना पाकिस्तानी में पापी ग्रह अच्छा फल देते हैं, और राहु देव तीसरे घर से में, छठे घर में और 11वें घर में बहुत अच्छा फल देते हैं, यह नोट कर लीजिएगा, बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। आपके 6 हाउस में, उसमें राहु देव आ जाएंगे, इससे पहले आपकी मैरिड लाइफ में जो परेशानी चल रही थी उनको दूर कर देगी, क्योंकि राहु देव जब भी 7 था उनके ट्रांजिट करते थे हैं तो मैरिड लाइफ में अड़चन करते हैं, प्रॉब्लम करते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग करते हैं, फाइट करते हैं, फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, चंडाल दोष खत्म होगा, यानी कि सबसे बड़ी बात आपके अंदर कन्फ्यूजन रूख जो रहे जो हैं वो आप होल्ड थे, आप फंसे हुए थे, आप आगे बढ़ना चाहते थे, आपके कदम आगे बढ़ाना चाहते थे, लेकिन उतना ही पीछे जा रहे थे, ये गुरु चंडाल दोष की वजह से, क्योंकि आपके केंद्र में गुरु दोस्त बन रहा था, और 7th हाउस था जो, उसमें जानकारी बिल्कुल सटीक दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना, ना कि आपको 7, उसमें 7th में जो है गुरु चंडाल दोष बना रहा था, और ये समाप्त होगा, जो आपके लिए पार्टनरशिप के लिए काफ़ी बेहतरीन रहेगा। तो दोस्तों, इस तरीके से आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जो आपको बहुत बड़ी सफलता इसी बीच करवाने वाला है। तो दोस्तों, आपको अगर किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं आपके उपायों के साथ आपको ज़रूर बताने का प्रयास करूँगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे और किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, देखते रहिए।